आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में फिर से लेकर आए हैं एक विनिंग प्रोडक्शन। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे यहाँ पर जो साउथ अफ्रीका में जो अभी लीग चल रही है, यहाँ पर T20 लीग चल रही है। इस जो यह मुकाबला खेला जाना है इस लीग का, यहाँ पर फाइनल रॉयल्स वर्सेस यहाँ पर प्रोटोरिया कैपिटल्स के बीच में यह मुकाबला खेला जाएगा। विनिंग प्राइज है वो है 2.7 करोड़ रुपये। तो आज के इस मुकाबले में इस मैच के लिए प्रोडक्शन बना के देंगे। तो सबसे जो पावरफुल प्राइज है वो आपके लिए बता देते हैं, वो इसमें 15 लाख रुपए है। 15 लाख जो कि फर्स्ट रैंक के लिए प्राइज रखी गई है। तो आज के इस मुकाबले में इसी प्राइज के लिए जीतने के लिए हम विनिंग प्रोडक्शन बना के देंगे। तो चलिए, तो हम यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि यहाँ पर जो एवरेज स्कोर क्या बनेगा, सबको देख लेते हैं। उसी के बाद हम यहाँ पर विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर और बॉलर शामिल करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एवरेज स्कोर यहाँ पर जो बनेगा वो 136 का है। और यहाँ पर जो एवरेज स्कोर 136 का है, तो आप फाइनली समझ सकते हैं कि पिच जो पिच होने वाली है या बॉलिंग पिच होने वाली है, और जो स्पिन बॉलर हैं उनके लिए इस पर मदद मिलेगी। तो पिच बॉलिंग पिच होने वाली है और फाइनली इस पिच पर जो बॉलर्स हैं उनके लिए मदद मिलेगी। तो हम बैट्समैन में कम से कम शामिल करेंगे। और सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर विकेट कीपर। विकेट कीपर में जॉस बटलर, के मेंडिस, डी विलास और पी साल्ट। तो यहाँ पर फिलहाल में हम सबसे पहले तो पी साल्ट का रिकॉर्ड देख लेते हैं। अभी तक इन्होंने फिलहाल में 6 मुकाबले खेले हैं और छः मुकाबलों में इन्होंने 298 पॉइंट दिए, जिसमें एवरेज पॉइंट है 49 का। तो ये देख लेते हैं डी टी में यहाँ पर 4 मुकाबले में शामिल रहे हैं। आप देख लीजिए यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 मुकाबले में ये डी टी में शामिल रहे, मतलब ये शानदार विनिंग प्लेयर से ड्रीम इलेवन में जॉस बटलर। और जो पिछला मुकाबला खेला था उसमें शानदार इन्होंने 68 रन की इनिंग खेली थी और 101 पॉइंट दिए थे। और यहाँ पर जो पहला मुकाबला खेला था उसमें भी शानदार 51 रन की इनिंग खेली थी। तो यहाँ पर हम इस प्लेयर के लिए ज़रूर शामिल करेंगे जॉस बटलर के लिए, और ड्रीम इलेवन गेम चेंजर्स हो सकते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन की में जॉस बटलर, के मेंडिस हैं। के मेंडिस के लिए भी मौका ही नहीं मिल रहा है खेलने का, तो के मेंडिस के लिए फिलहाल में हम छोड़ देते हैं। और इसके बाद डी विलास की बात कर लेते हैं। 5 मुकाबले खेले हैं और इन्होंने अभी तक 120 पॉइंट दिए हैं, तो यह कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं। तो हम फिलहाल में यहाँ पर इन्हें छोड़ दें। इसके बाद पी साल्ट ने यहाँ पर 5 मैचेस खेले हैं, 270 पॉइंट दिए हैं, और जिसमें इन्होंने यहाँ पर शानदार 3 मैच में यह विनिंग प्लेयर्स रहे डी टी में शामिल रहे, जिसमें एक मुकाबले में 104 पॉइंट दिए, जिसमें शानदार इन्होंने 47 ओवरों पर 77 रन की इनिंग खेली थी। और इसके बाद इन्होंने 45 पॉइंट दिए, इसके बाद 106। पी साल्ट के लिए ज़रूर शामिल करेंगे। तो एक तरफ से हो गए जॉस बटलर और एक तरफ से होगा पी साल्ट विकेट कीपर में, दोनों बैट्समैन ओपनिंग करने के लिए आते हैं। इसके बाद यहाँ पर रीसो कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं। इन्होंने देख लीजिए यहाँ पर रीसो ने यहाँ पर 5 मुकाबले खेले, 65 पॉइंट थे, कुछ खास नहीं कर पा रहे, तो हम रीसो के लिए छोड़ देंगे। डी मिलर की बात कर लेते हैं। डी मिलर बहुत नीचे बैटिंग करने के लिए आते हैं, फिर भी इन्होंने आप देख लीजिए यह डी टी में 1, 2, 3, 4, 5 मुकाबले में प्लेयर्स डी टी में शामिल रहे। आप सोच सकते हैं 5 मुकाबले, 6 मुकाबले खेले, 6 में से 5 मुकाबले में या डी टी में शामिल रहे, तो यह बंदा बहुत लाजवाब प्लेयर से डी मिलर, तो मैंने ज़रूर शामिल करेंगे। और उसके बाद मॉर्गन की बात कर लेते हैं। मॉर्गन ने यहाँ पर 5 मुकाबले खेले, 136 पॉइंट दिए हैं, तो मॉर्गन यहाँ पर सिर्फ 2 मुकाबले में डी टी में शामिल रहे। तो फिलहाल हम मॉर्गन के लिए छोड़ दें, क्योंकि यह पिच बॉलिंग पिच होने वाली है और इस पर जो ये एवरेज स्कोर 136 का हम मैच, तो हम यहाँ पर छोड़ देंगे। इसके बाद जैसन रॉय ने यहाँ पर 6 मुकाबले खेले हैं और 122 पॉइंट दिए हैं, कुछ खास नहीं किया, तो जैसन रॉय के लिए भी छोड़ देंगे। इसके बाद बिल जैक्स की बात कर लेते हैं। जैक की बात कर लेते हैं, 5 मुकाबले खेले हैं, 366 पॉइंट दिए, यह बंदा बहुत शानदार है। 3 मुकाबले में डी टी में शामिल रहे, और वो भी डी टी में तब शामिल रहे जब इन्होंने 149 पॉइंट दिए। देख लीजिए 46 बॉलों पर शानदार 92 रन की इनिंग खेली थी, और इसके पहले भी आप देख लीजिए 64 पॉइंट दिए, और अभी जो मुकाबला खेला गया था 20 तारीख को उसमें शानदार 95 पॉइंट दिए, और इन्होंने महज 25 बॉलों पर 56 रन बना दिए थे। तो हम यहाँ पर शानदार बैट्समैन के लिए हम शामिल कर लेते हैं। और इसके बाद भी ब्राउन के लिए 5 मुकाबले खेले, 151 पॉइंट थे, कुछ खास नहीं किया, अभी हम छोड़ देते हैं। और इसके बाद हम ऑलराउंडर देखेंगे। सिर्फ 4 ही बैट्समैन शामिल किए हैं, जिसमें 2-2 प्लेयर शामिल किए हैं दोनों टीमों के। इसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पर फर्नेल,
बिवर्नेल 5 मुकाबले खेले, 267 पॉइंट दिए हैं। यह प्लेयर्स लाजवाब है, ऑलराउंडर है। और यहाँ पर देख लीजिए, यह प्लेयर्स 5 मुकाबलों में से 4 मुकाबलों में यह प्लेयर्स डीटी में शामिल है, मतलब विनिंग मुकाबले में यह प्लेयर्स अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, तो हम जरूर शामिल करेंगे इनके लिए अपनी प्रोडक्शन में। फाइनली ये बॉलिंग पिच होने वाली, तो इसे जो यह प्लेयर से इसे बॉलिंग में भी पॉइंट मिलेंगे और बैटिंग में भी, तो यह फाइनली ड्रीम इलेवन गेम चेंजर्स रहेंगे। और 91% इन्हें शामिल भी किया गया है। इसके बाद जीनीसम, इन्हें भी हम शामिल करेंगे। जीनीसम के लिए 5 मुकाबले खेले, 291 पॉइंट दिए हैं। यह प्लेयर्स 3 मुकाबले में ड्रीम इलेवन गेम चेंजर्स रहे और डी टी में शामिल रहे, तो हम जीनीसम के लिए शामिल कर लेते। इसके बाद यहाँ पर एडमस के लिए छोड़ देते हैं फिलहाल में। यह प्लेयर सिर्फ 2 मुकाबले में डी टी में शामिल रहे, तो इन्हें हम छोड़ देते हैं फिलहाल में। और इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं विहान लोबे, इनकी बात कर लेते हैं। 6 मुकाबले खेले, 209 पॉइंट दिए हैं, तो यह प्लेयर सिर्फ 3 मुकाबले में डी टी में शामिल है, तो आप इन्हें शामिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो फिलहाल में हम इन्हें ज़रूर शामिल करेंगे। और इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हैं जोन्स, और यहाँ पर इन्हें फिलहाल में छोड़ देते हैं हम। सिर्फ हम यहाँ पर शामिल करेंगे ए जोन्स के लिए। ए जोन्स के लिए 5 मुकाबले खेले हैं और शानदार यहाँ पर 3 मुकाबलों में या डी टी में शामिल रहे, वो भी अच्छे पॉइंटों से। एक में 119 पॉइंट दिए, 60 पॉइंट दिए, 99 पॉइंट दिए, सिर्फ 2 मुकाबले में भी कुछ नहीं कर पाए, लेकिन यह पिच बॉलिंग पिच होने वाली है, तो इन्हें हम जरूर शामिल करेंगे। तो इसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या, यहाँ पर हम बॉलर्स देख लेते हैं। तो बॉलिंग में यहाँ पर नोकिया हैं, रसिद हैं, और यहाँ पर टी सरसमी हैं और एन निगुंडी हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो हम यहाँ पर पहले नंबर तो शामिल करेंगे यहाँ पर बी फॉर्चून के लिए, शानदार यहाँ पर 450 पॉइंट दिए हैं, 450 पॉइंट, 6 मुकाबले खेले हैं, यह 75 रन का एवरेज पॉइंट है और हर मुकाबले में यह बंदा परफॉर्मेंस। सिर्फ इन्होंने 2 मुकाबले में महज 7-7 पॉइंट दिए थे, सॉरी हाँ, और बाकी यहाँ पर जो यह एक मुकाबला खेला है, इन्होंने दूसरा अपना मुकाबला खेला, शानदार स्पेल के 4 ओवर में 3 विकेट हासिल किए, और इसके बाद 121, मतलब 100 से प्लस पॉइंट दे रहा है यह बंदा हर मुकाबले में, 100 प्लस पॉइंट दे रहे हैं और ड्रीम इलेवन गेम चेंजर्स बन रहे हैं, तो हम इन्हीं के लिए शामिल करेंगे। और आज के कैप्टन्स भी हो सके। बाद ई बॉक्स के लिए बात कर लेते हैं। यहाँ पर 5 मुकाबले खेले, 259 पॉइंट दिए हैं और जिसमें टीम में शामिल रहे, तो आप इन्हें शामिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। फिलहाल में हम यहाँ पर नोकिया के लिए शामिल करेंगे। अब हमारे लिए एक बॉलर्स के लिए शामिल करना, जिसमें हम यहाँ पर ए रशिद हैं, 5 मुकाबले खेले हैं, और यहाँ पर इसके बाद हैं लुंगी, इन्हीं के लिए शामिल कर सकते हैं। तो इन्हीं का रिकॉर्ड देख लेते हैं, अभी 5 मुकाबले खेले हैं, 225 पॉइंट दिए। तो यहाँ पर एक अच्छा ऑप्शन है ए रशिद, क्योंकि यह जो पिच होने वाली है स्पिन बॉलर के लिए, जो स्पिन बॉलर्स हैं उनके लिए खासकर मदद मिलने वाली, तो हम यहाँ पर ए रशिद के लिए शामिल कर लेते हैं। रशिद के लिए इन्होंने अभी तक 5 मुकाबले खेले हैं और 222 पॉइंट दिए, जिसमें इन्होंने पिछले मुकाबले में 63 पॉइंट लिए थे, 2 विकेट हासिल किए थे, और इसके पहले 62, मतलब हर मुकाबले में 2 विकेट हासिल करते हैं, तो हम इन्हें जरूर शामिल करेंगे। यह भी ड्रीम इलेवन गेम चेंजर्स हो सकते हैं। बन चुकी, जिसमें यहाँ पर 6 प्लेयर्स हमने यहाँ पर विक्टोरिया कैपिटल्स के शामिल किए हैं, 5 प्लेयर्स यहाँ पर फॉरनर रॉयल्स के शामिल किए हैं, तो जिसमें हमने 4 ऑलराउंडर शामिल किए। इसका रीज़न क्या है ऑलराउंडर 4 शामिल करने का, यह पिच जो होने वाली है यह बॉलिंग पिच होने वाली है और वो भी स्पिन बॉलिंग पिच, तो हमने इसी के हिसाब से यहाँ पर जो हमने ऑलराउंडर शामिल किए वो 4 ऑलराउंडर शामिल किए हैं और 3 बॉलर, सिर्फ 4 ही बैट्समैन हमने शामिल किए हैं, लेकिन यह भी 4ों बैट्समैन हैं जो कि ऑलराउंडर हैं। तो हम इसके बाद कैप्टन और वाइस कैप्टन चूज़ करेंगे। सीधा हम कैप्टन्स में आएंगे, यहाँ पर नीचे वाइस कैप्टनसी में, यहाँ पर बी फॉर्चुनर के लिए सबसे ज़्यादा आप देख लीजिए यहाँ पर पॉइंट दिए इन्होंने 400 के करीब, 450 के करीब, तो हम 22 कैप्टन में इन्हीं के लिए शामिल करेंगे। और कैप्टनसी में अच्छा जो ऑप्शन है, यहाँ पर बिल जैक हैं और यहाँ पर जोस बटलर, 2 में से किसी एक के लिए हम शामिल कर सकते हैं। और नीसम भी एक अच्छा ऑप्शन है और यहाँ पर बी फॉर्नेल भी एक अच्छा ऑप्शन है, तो इन्हीं के लिए भी हम शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ की जो पिच तो बॉलिंग पिच होने वाली है, लेकिन यहाँ पर रशिद भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं, तो इनके लिए भी शामिल कर सकते हैं, तो बहुत शानदार ऑप्शन है। इन्होंने पिछले मुकाबले में यहाँ पर जॉस बटलर भी एक अच्छा ऑप्शन है, शानदार 68 रन की इनिंग खेली थी जॉस बटलर ने, तो इन्हें भी शामिल कर सकते हैं जॉस बटलर के लिए, लेकिन इनके सामने आज
जो इस मुकाबला खेला जाना है, इस मुकाबले में बॉलिंग शानदार होने वाली है। तो यहाँ पर हम जॉस बटलर के लिए शामिल कर लेते हैं यहाँ पर कैप्टनसी में, और वाइस कैप्टनसी में यहाँ पर होगा यहाँ पर फोर्टीन। बहुत शानदार दोनों कैप्टन और वाइस कैप्टन हो चुके हैं, जिसमें कैप्टन जॉस बटलर रहेंगे। यदि यहाँ पर कैप्टनसी में कोई ऑप्शन एक और है तो वो है यहाँ पर फर्नेल। इन्हें आप कैप्टनसी में यूज कर सकते हैं, फर्नेल के लिए शानदार ऑलराउंडर हैं। और यहाँ पर जैक भी एक अच्छा ऑप्शन है, विल जैक्स, इन्हें आप कैप्टनसी में यूज कर सकते हैं। और कोई ऑप्शन तो है नहीं कैप्टनसी में, दो तीन ऑप्शन है कैप्टनसी में, जिसमें हमने यहाँ पर जॉस बटलर के लिए बना दिया है कैप्टनसी में। तो फाइनली हमारी प्रोडक्शन बन चुकी है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।